हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि भैया एक लेक्चर मैं आप लोगों को दूंगा जिसमें मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि आपको एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं या जो आप लोगों के एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं और किस तरह से आपको बिना डरे और बड़ी ही आसानी से उन न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करना है। और आप लोगों को मैं बता दूं, आप जाके देख लो, रेलवे के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को फिजिक्स के मिलेंगे वहां पे। और फिजिक्स में 2018 से न्यूमेरिकल्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं। बाकी क्वेश्चंस थ्योरी से तो आते ही आते हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि बिल्कुल भी जो आप लोग डरते रहते हो ना, कि मैं पिछले एक साल से बच्चों से सुन रहा हूँ भैया मुझसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं होते, फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं होते, होते नहीं है या आप लोगों ने धारणा बना लिया कि मुझे करने ही नहीं है। मैं गारंटी दे रहा हूं कि इस वीडियो को आप लोग देख लो, जो टर्म्स हैं कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी कहना क्या चाह रही है, अगर आप लोगों को सिर्फ इतनी बातें समझ आ गई ना, आप लोगों ने जितनी भी यहां पे वर्डिंग हो रखी है कि एक्सेलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये अगर आप लोगों को चीजें पता चल गई तो आप न्यूमेरिकल बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। आपको ये पता चल गया कि ये वाली इक्वेशन कहाँ पे यूज करनी है, ये इक्वेशन कहाँ से और कब यूज करनी है। इस वीडियो के खत्म होने तक आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि कौन सी इक्वेशन को किस टाइम पे यूज करते हैं। और जितने फॉर्मूले यहाँ पे आप लोगों को दिखेंगे उनके सारे न्यूमेरिकल्स भी कराने वाला हूँ। और विद इन 10 to 15 मिनट्स आपको सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजें लगभग लगभग पता चल जाएंगी। इसके बाद अगर आप लोग कहोगे तो एक सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल का सेशन ले आऊंगा, इसमें भी आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं, काफी न्यूमेरिकल इसमें होंगे, वो न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी से भी होंगे और आपके जो प्रीवियस ईयर है वहां से भी होंगे। तो सबसे पहली बात आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस बात पर जोर देना है कि भाई जो वर्डिंग है एक्सेलरेशन जो है वो कहना क्या चाह रहा है, मोशन जो है वो क्या कहना चाह रहा है। अगर आप डिफिनेशन समझ गए ना, तो जैसे वो कथन निष्कर्ष वाले भी क्वेश्चन होते ना, सिर्फ और सिर्फ डिफिनेशन का खेल है। जिस बच्चे को समझना है, रटना नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको तुरंत की वो वाली डेफिनेशन रटी होनी चाहिए कि वेग में परिवर्तन की दर को, ना ना ना, उस चीज से मतलब ही नहीं है। आप लोगों को सिर्फ देहाती भाषा में अपने मतलब समझने हैं कि उसका क्या है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं चलो फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को एक्सेलरेशन की बात करूँ तो बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि भैया एक्सेलरेशन वेग में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन, कुछ मत याद रखो। एक्सेलरेशन क्या मतलब, आपने बाइक देखी है, जब बाइक में आप क्या करते, एक तरफ एक्सेलेटर होता है ना, उस चीज को क्या करते हो, ऐसे करते ना, ऐसे कभी ऐसे करते हो ना, गर्ल्स को देख के या करते ही लड़के कुछ एटीट्यूड दिखाते हैं और पता ही है बुलेट वालों का तो क्या हाल ही रहता है। फिर भी बस मैं आप लोगों को कह रहा हूं, आप सिर्फ इतना समझिए, जैसे आपने एक्सेलरेट किया मतलब ऐसे किया, तो एक्सेलरेशन की परिभाषा ये कहती है कि पर सेकंड वेग में होने वाली वृद्धि या कमी, अगर कमी है तो उसे रिटार्डेशन कहेंगे, मतलब मंदन हो जाएगा, और अगर वृद्धि है, बस आप ये समझो एक सेकंड के अंदर स्पीड में जो चेंजेस आएंगे उस चीज को हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे, ये मैं सिर्फ एग्जांपल समझा रहा हूं, बाकी स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही थी और मैंने ये कहा कि भैया 2 सेकंड बाद अगर उसमें एक समान त्वरण, मैंने बोल दिया कि चलो 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है। देखो मैंने आपसे क्वेश्चन दिया कि भैया कोई वस्तु है जो उसका प्रारंभिक वेग है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन दिया और मैंने त्वरण की डेफिनेशन आपको समझाई। त्वरण का ये बोला मैंने कि भाई त्वरण क्या है, पर सेकंड वेग में होने वाला परिवर्तन, कि एक सेकंड में जितना वेग में हमारे परिवर्तन होगा वो क्या होगा, त्वरण है। अब मैंने कहा एक समान त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या है, इसका गति बढ़ा रहे हैं हम लोग, क्योंकि त्वरण हमें दे दिया। अब मैं पूछ रहा हूं इसकी वेलोसिटी बताओ, क्या बताओ, 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी बताओ क्या हो गई होगी, मतलब 2 सेकंड बाद इसकी चाल क्या हो गई होगी या वेलोसिटी क्या हो गई होगी। तो आप खुद बताओ, 5 मीटर पर सेकंड से वो चल रहा था, 2 सेकंड बाद आपसे पूछा, तो हर सेकंड आप लोगों को बताया त्वरण क्या, हर सेकंड में जितना वेलोसिटी बढ़ जाएगी या जितनी चाल बढ़ जाएगी, तो पर सेकंड बढ़ कितनी रही है, अगर त्वरण 5 दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि पर सेकंड मेरी जो चाल है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ जा रही है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ रही है। तो 5 मेरी पहले थी, फिर अगले सेकंड पे 5 बढ़ी और फिर उससे अगले सेकंड पे 5 बढ़ी, तो ओवरऑल 2 सेकंड बाद कितनी हो गई, 15 हो गई। ये है अगर आप लोगों ने त्वरण को समझा। एक बार और बता रहा हूं त्वरण क्या, देखो त्वरण कुछ नहीं,
त्वरण का मतलब है कि जैसे आपने एक्सेलरेट किया तो एक सेकंड में आपकी बाइक कितनी दूर चली, मतलब कितनी चाल से आगे चली गई है। तो अब देखो इसकी यूनिट से समझो, देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं ना इसको, तो ये एक्चुअल में ये है मीटर पर सेकंड बटे सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड में क्या हो गई आपके चाल या वेग हो गया पर सेकंड, मतलब पर सेकंड वेग में होने वाली वृद्धि को आप क्या कहते हो, त्वरण कहते हो। एक सेकंड के अंदर जितनी वृद्धि हो जाएगी वो आप लोगों का हो जाएगा। अच्छा चलो एक क्वेश्चन बताओ, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि मैंने कहा कि ब्रह्मा अवस्था से कोई वस्तु चलना स्टार्ट करती है, ब्रह्मा अवस्था से मतलब U बराबर हो गया जीरो। अब ये U पू छोड़ो, देखो आप डायरेक्ट निकाल लोगे, मैं कह रहा हूं ब्रह्मा अवस्था से चलना स्टार्ट कर रही है मतलब जीरो से। ब्रह्मा अवस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से आगे बढ़ रही है, 5 सेकंड बता, 5 सेकंड बाद इस जो बाइक है या कार है इसकी चाल क्या हो गई होगी। अब देखो इक्वेशन से तो कर ही सकते हो, लेकिन मैं इक्वेशन से नहीं बता रहा, आप डायरेक्ट ऐसे ही बता सकते हो। देखो ब्रह्मावस्था से चलना स्टार्ट किया तो जीरो थी पहले, मैंने आपसे क्या कहा हर सेकंड कितना वेग में परिवर्तन हो रहा है उसी को त्वरण कहते हैं, और त्वरण आपको कितना दे दिया, 5 मान रहे हो तो 5 मान लो, अगर 2 मैं कह रहा हूं, त्वरण आपको 2 मीटर पर सेकंड दे रखा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, और मैं कह रहा हूं 5 सेकंड बाद तो कितना हो जाएगा 10, 5 सेकंड बाद कितना हो जाएगा 10। और यही चीज इक्वेशन से भी होती है, देखो यहां पे u 0 दे दिया और ये दे दिया 2 और यहां पे त्वरण दे दिया 2 और टाइम दे दिया 5, तो अंतिम वेग निकल गया 5 × 2 = 10। लेकिन आप बिना इक्वेशन के भी क्वेश्चन कर पाओगे जब आपको समझ होगी। चलिए अब मैं यहां पे समझाने की बात करता हूं कि क्या है चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भैया ये हमारा चैप्टर है मोशन, इस चैप्टर का नाम क्या है, मोशन चैप्टर का नाम है। मोशन क्या चीज होती है, तो सबसे पहले आप लोग सुनिए कि गति क्या है। गति के लिए आप इस चीज को याद रखिए कि अगर कोई भी चीज टाइम की रिस्पेक्ट में, मतलब टाइम के साथ अपनी पोजिशन को चेंज कर रही है, तब हम उसे कहेंगे कि वो वस्तु गतिमान है। अब जैसे मान लो मैं यहां खड़ा हूं, शांत खड़ा हूं, मैं टाइम के साथ अगर मैं चेंज ही नहीं करूंगा ना, तब आप ये नहीं कह सकते कि मैं गतिमान हूं, मेरा हाथ गतिमान है। देखो टाइम के साथ हिल रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी ये मार्कर है, अगर मैं इसे ऐसे पकड़ के खड़ा रहूंगा तो ये गतिमान नहीं है। लेकिन मैं ऐसे आपके पास लेके आ रहा हूं, इसका मतलब है कि ये टाइम के साथ यहां से यहां चला गया तो ये गतिमान है। दूसरी चीज, कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे मान लो एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, इसके अंदर एक बंदा ए बैठा है, एक बी बैठा है, दोनों 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रही है। मान लो पहली ट्रेन भी 10 से जा रही है, दूसरी भी 10 से जा रही है, तो ये दोनों लोग जब आपस में एक दूसरे को देखेंगे, मतलब ए ने बी को देखा, बी ने ए को देखा, दोनों एक ऐसे जा रही हैं एक ही डायरेक्शन में, तो इन लोगों को लगेगा कि ये लोग स्थिर हैं। जैसे हम लोगों को लगता है जैसे पृथ्वी पूरी घूम रही है, तो पूरी की पूरी घूम रही है ना, समान गति से घूम रही है, तो हमें ये नहीं लगता कि ये मेरे साथ वाला जो बंदा है वो ऐसे घूम रहा है या मैं ऐसे घूम रहा हूं। ठीक इसी तरीके से यहां है, तो आपको स्थिर अवस्था में दिखाई देंगी अगर सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रही है तो। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक 20 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, एक 10 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो आप लोगों को गति महसूस होगी कि हाँ भाई वस्तुएं गतिमान हैं। या ट्रेन से अगर ए वाला बंदा दूसरी साइड झांके, मतलब एक तो इधर वाली ट्रेन को देख रहा था, ये इधर वाली को, अगर वो दोनों लोग दूसरी तरफ देखें तो उन्हें दिखेगा कि उनकी ट्रेनें चल रही हैं। तो ठीक इसी तरीके से ये वाली चीजें हैं, अगर ये वाला केस लोगे आप कि एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तब भी आपको लगेगा कि क्या है, वस्तुएं गतिमान है। तो इससे क्या समझ आया, मोशन की जो डेफिनेशन समझ आई वो ये आई कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के अनुसार अगर वस्तुएं अपनी पोजीशन चेंज करती हैं तो हम कहते हैं कि वस्तुएं गतिमान है। ठीक है, इतनी चीज खत्म। अब मैथ्स में आप पॉइंट पढ़ते हो, पॉइंट के बाद चीज शुरू होती है लंबाई या दूरी या विस्थापन, तो पॉइंट से ही सारी चीजें शुरू होती हैं। तो देखो पॉइंट को तो ये मानते हैं कि इसकी कोई लंबाई उंबाई नहीं होगी, एक्चुअल में तो है, छोटी मोटी तो होगी, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये नेग्लिजिबल लंबाई है, इसकी कोई लंबाई नहीं है, तो पॉइंट खत्म। अब इसके बाद आता है दो पॉइंट्स को जब तुम मिलाओगे, तो पहले पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जो पथ तय किया, मतलब रास्ते की जो लंबाई है, वही चीज आपकी दूरी है। एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक तय किया गया जो पाथ है, मतलब रास्ते की जो लंबाई है, उसी चीज को हम कहते हैं दूरी। समझ आ गई दूरी क्या, दूरी का मतलब यह है कि यहां से कोई बंदा चले और यहां तक जाना है, ठीक है, तो वो चाहे ऐसे जाए, चाहे वो ऐसे जाए, चाहे वो ऐसे जाए, ये सब क्या है, दूरी के एग्जाम्पल हैं। लेकिन यहीं पे अगर मैं विस्थापन की बात करूं, तो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन का मतलब ये होता है, इंग्लिश में उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं,
विस्थापन का मतलब होता है शॉर्टेस्ट रूट, कहने का मतलब है शॉर्टकट, सबसे ज्यादा आसान और कम दूरी वाला रास्ता ही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। विस्थापन मतलब, एक बार और बता रहा हूं मैं, विस्थापन का सीधा सा मतलब होता है कि शॉर्टकट से जाना है आप लोगों को। जैसे ये वाली चीज देखो, ए से सी पे पहुंचना है, एक बंदा जा रहा है ए से बी पे गया फिर सी पे गया, एक बंदा डायरेक्ट ए से सी पे गया, तो जो यहां से यहां तक गया ये वाली चीज डिस्टेंस है। अगर वो यहां से यहां तक गया तो इसे डिस्टेंस कह तो सकते हो, लेकिन ये डिस्टेंस का एक क्या है, स्पेशल फॉर्म है जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी होती है, ये याद रखना। डिस्प्लेसमेंट हमेशा विद डायरेक्शन आएगा, मतलब उसमें दिशा भी होगी कि किस दिशा में। अभी यहां पे देखो दिशा निश्चित है, ए से सी पे गए ऐसे, जा तो हम ऐसे भी सकते थे, जा हम ऐसे भी सकते थे, लेकिन ये सारी चीजें क्या है, ये दूरियां हैं, ये दूरियां हैं। लेकिन ये वाली जो चीज है, दूरी ही एक तरह का विस्थापन है, लेकिन उसमें दो चीजें निश्चित होती हैं। एक तो वो सबसे शॉर्टेस्ट रूट होगा, मतलब सबसे छोटे रास्ते को ही हम क्या कह देंगे, जैसे मान लो मुरादाबाद से कोई बंदा लखनऊ आना चाहता है, तो जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और जो घूम के आ रहे हैं बाय ट्रेन इधर उधर, तो वो क्या चीज होगी, वो होगी आप लोगों की दूरी। इसीलिए कई बार कई क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं है आज तक, लेकिन पूछ भी सकता है, जो प्लेन है उससे हम जल्दी दूरी क्यों तय करते हैं, उसका रीजन यही होता है कि भैया जब आप प्लेन से जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट तय करोगे। प्लेन को ऐसा तो है नहीं कि भैया इधर को घूम के जाएगा, उसका भी रास्ते होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कहीं से भी होकर चला जाएगा, बीच में कुतुब मीनार खड़ी है या कुछ बहुत ऊंची मीनार खड़ी है तो उसके ऊपर से थोड़ी चला जाएगा कि भैया ऐसे ही चला जाएगा, कुतुब मीनार की इतनी हाइट नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि मान लो हिमालय पर्वत आ गया, कुछ आ गया, तो जरूरी थोड़ी है कि शॉर्टेस्ट रूट ये वाला था तो यहीं से जाएगा, वो बराबर से घूम के जाएगा फिर। लेकिन मैक्सिमम केसेस में वो डिस्प्लेसमेंट को तय करने की कोशिश करते हैं कि हम बाय डिस्प्लेसमेंट जाएं, ना कि बाय डिस्टेंस। समझ गए, ये चीजें हो गई। चलिए, तो आप लोगों को दूरी और विस्थापन में अंतर समझ आ गया होगा। एक चीज और यहां पे आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं समझाऊं कि हमें अंतर कैसे निकालने हैं। देखो, अब विस्थापन कई जगह पे जीरो हो सकता है, सॉरी ये हिल गया है, इसे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं, ये एडजस्ट कर दिया, ठीक है, ये हो गया। तो अब जरा आप खुद बताना, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, एक बंदा यहां से चलना स्टार्ट करता है ए से, और वो घूम के वापस यहीं आ जाता है, ठीक है, ए से चलना स्टार्ट किया और वापस घूम के यहीं आ गया, बताओ दूरी कितनी चली और विस्थापन कितना चला, विस्थापन कितना हुआ, इसकी त्रिज्या आर है। तो देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा है ऐसा क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन के केस में दूरी जो होगी वो क्या होगी, पूरी परिधि होगी, ये सर्कल है, तो 2πr उसने दूरी चली। विस्थापन की डेफिनेशन क्या है कि पहले पॉइंट से लेके अंतिम पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस, तो यहां पे पहला पॉइंट भी ये है, अंतिम पॉइंट भी ये है, तो डिस्टेंस क्या चला, कुछ भी नहीं चले, इसलिए आपका विस्थापन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब मैं आप लोगों से इस केस में पूछूंगा, ये आप मुझे बताना, यहां से मैं चला ए से और वापस घूम के मैं ए पे ही आ गया, और ये एक क्या था, मैं कह रहा हूं ये 10, ये 20, ये 10, ये 20, आप लोगों को बताना है, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि दूरी कितनी चले और विस्थापन कितनी चले, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है। ओह यार, ये बड़ा हिल रहा है बार बार। तो गाइज, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद मैं बात करता हूं चाल और वेग की, चाल और वेग की क्या है, तो इन शॉर्ट निपटा लेते हैं, बहुत लंबा लेक्चर हो रहा है। चाल और वेग में क्या अंतर है, तो वो कुछ अंतर नहीं है, बस अगर आप लोग विस्थापन के साथ, जैसे कहते हैं ना, विस्थापन में परिवर्तन की दर, मतलब विस्थापन बटे समय अगर आप लोग करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा विद डायरेक्शन वेग, और अगर दूरी बटे समय करोगे तब आप लोगों को मिल जाएगी क्या, एक सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, और एक सेकंड में तय किया गया विस्थापन को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरी जो कार है वो 25 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, इसका मतलब क्या है, मैंने 25 मीटर डिस्टेंस एक सेकंड में तय कर रहा हूं अपनी कार से, तब मैं कह रहा हूं कि मेरी जो कार है वो 25 मीटर पर सेकंड से जा रही है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि मैं 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मैं एक घंटे के अंदर 5 किलोमीटर चल रहा हूं। समझ आ गई, ये है इन चीजों में डिफरेंस। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूरी
हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, जबकि विस्थापन पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव, कुछ भी हो सकता है। तो हाँ, ये बिल्कुल बात ठीक है। देखो, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे चाल जो है वो आपको पॉजिटिव ही मिलेगी, जबकि बेग निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। समझ आ गई, ये इनके मेन डिफरेंसेस हैं। यूनिट्स अगर मैं बात करूं तो देखो, दूरी की भी वही होगी यूनिट मीटर, और डिस्प्लेसमेंट की भी वही होगी। ठीक इसी तरीके से चाल की अगर मैं बात करूं, चाल बराबर मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और उसी तरीके से बेग की भी मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो गाइज, एक चीज का एक्सप्लेनेशन और बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो दूरी का मान होता है वो हमेशा विस्थापन से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। वो कैसे, यहां देखो, देखो ए से बी तक पहुंचना था, ये बी है, यहां से गए, एक पाथ ये है, इतना लंबा रास्ता तय किया, यहां से गए, ये भी लंबा है, ये भी गए, ये जो बीच वाली चीज है ये सबसे छोटा पाथ है, ये ए से बी तक जाने का सबसे शॉर्टेस्ट रूट यही है। तो ए से बी तक जाने के लिए ये भी रास्ता था, तो मतलब दूरी इस केस में भी ज़्यादा हो गई या नहीं हो गई विस्थापन से। विस्थापन क्या है, ये वाली सीधी वाली लाइन जो है ये विस्थापन है, ये सारी दूरियां हैं, तो हर केस में ज़्यादा है। लेकिन अगर ये धीरे धीरे इसके पास आती जाए और ये फिर इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाए, तब उस केस में क्या होगी, दूरी और विस्थापन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब एक बार फिर से समझ लो, अगर आप लोगों को नहीं समझ आया, देखो एक ये लाइन है, ए से बी पर जाना है, ये तो विस्थापन रहा। अब दूरी के लिए तुम ऐसे जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे, फिर तुमने ऐसे जाना शुरू करा, फिर तुमने ऐसे जाना शुरू करा, एक बार ऐसा आएगा तुम यहां से ही जाओगे इसके ऊपर से ही, तो ये तो शॉर्टेस्ट ही रूट हो गया ना, फिर इस चीज को तो विस्थापन ही बोलेंगे ना। तो इस केस में दूरी और विस्थापन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप लोग कह सकते हो अब कि दूरी जो होती है, मतलब जो डिस्टेंस है, वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी या बराबर होगी। ये क्लियरेंस भी आप लोगों को इस चीज का, ये भी क्लियर आप लोगों को हो गया होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं जल्दी से कि इक्वेशन कैसे बनती हैं आप लोगों की ये वाली, और कैसे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन कैसे करने हैं इसके, मैं क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा आप लोगों को। देखो, जैसे कि आप लोगों को मैंने क्या बताया कि त्वरण क्या है, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं रटना है। त्वरण क्या है, जब आप एक्सेलरेट करोगे, देखो जैसे एक्सेलरेटर को ऐसे खींचोगे तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी, और जब छोड़ोगे तो क्या होगी, कम होगी। तो दो तरीके का त्वरण होगा, एक होगा रिटार्डेशन जिसे मंदन बोलते हैं, एक होगा आप लोगों का एक्सेलरेशन जिसे हम त्वरण बोलेंगे। तो अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तब आपका त्वरण है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेट कर रहे हो, और जब आप डी एक्सेलरेट करोगे मतलब उसे छोड़ोगे तो उस टाइम पे होगा आप लोगों का रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन को निगेटिव सिंबल के साथ दिखाते हैं, निगेटिव साइन के साथ दिखाते हैं, और डेफिनेशन में क्या है, पर सेकेंड वेग में होने वाली वृद्धि को त्वरण, और पर सेकेंड वेग में होने वाली कमी को क्या कहते हैं हम लोग, रिटार्डेशन कहते हैं। ये दोनों चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। यूनिट क्या है, अब देखो भाई, बेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन क्या हो रहा है भाई, पहले बेग मान लो 5 सेकंड था, बाद में कितना हो गया, 10 हो गया, 10 मीटर पर सेकंड हो गया। मैं कह रहा हूं पहले मैं 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, उसके बाद 10 मीटर पर सेकंड से चलने लग गया, तो डिफरेंस कितना आ गया, 5 का, कितने में, 1 सेकंड में। तो आपका जो त्वरण हो गया वो कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड, कैसे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैसे, एक बार और देखो, मैं पहले कितनी स्पीड से चल रहा था, u बराबर कितने से चल रहा था, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड से, बाद में मैं चलने लग गया 1 सेकंड बाद कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सा है कि वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, 1 सेकंड में जितना वेग में परिवर्तन होगा, तो 10 हो गया 5 से, तो 10 में से 5 गया 5, तो 5/1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण की डेफिनेशन तो मैं स्टार्टिंग में भी समझा चुका हूं आपको, क्या होती है त्वरण की डेफिनेशन, 1 सेकंड में जितना परिवर्तन होगा आपकी चाल में या वेग में, वो आप लोगों का कहलाएगा। चाल में तो बोल नहीं सकते क्योंकि वो सदिश राशि है, लेकिन लैंग्वेज में क्वेश्चन की चाल में भी मिल सकता है आपको, ठीक है, लेकिन साइंटिफिकली नहीं बोला जा सकता है वो। तो बस आप लोग इतना समझ लो, 1 सेकंड में जितना चाल या वेग में परिवर्तन होगा वो आप लोगों का क्या कहलाएगा, वो आप लोगों का कहलाएगा त्वरण, ठीक है। और चाल और वेग तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा, आप लोगों को इतना तो समझ आ गया होगा कि त्वरण क्या है, 1 सेकंड में जितना चाल या वेग में परिवर्तन होगा उस चीज को हम कहेंगे वो हमारा त्वरण है, ठीक है। इसीलिए डेफिनेशन भी होती है पर सेकंड वेग में होने वाली वृद्धि या कमी,
वो हमारी त्वरण आएगी, कमी को हम रिटार्डेशन और वृद्धि को हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब जरा क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को इक्वेशन बनाकर दिखा देता हूं। देखो अब क्या होगा, परिवर्तन कैसे निकालते हैं, मैं कह रहा हूं भाई परिवर्तन किसी भी चीज का निकालना, कैसे निकालोगे? परिवर्तन निकालने का सीधा सा मतलब है, अगर मैं आज 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, बाद में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं, तो 10 में से 5 घटाओगे, मतलब अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा के और नीचे समय के साथ, तो a बराबर क्या हो गया आपका, b माइनस यू बटे टी, या dt मानते हैं उसे समय में, तो a बराबर d, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है वो कह सकता है चौथे सेकंड पे इतना था, सातवें पे इतना था, तो यहां भी dt लिख देते हैं, समझ आ गई? तो इस चीज को आप लिखेंगे a बराबर dv बटे dt, d का मतलब है डिफरेंस, ठीक है, उन लोगों का डिफरेंस निकालना है। तो आप अगर इस चीज की मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो at यहां मिल जाएगा और v माइनस यू ये आ गया। अब u को इधर लेके आ जाओगे तो माइनस वाली चीज प्लस आ जाएगी, तो b बराबर u प्लस at, अब ये आ गई पहली इक्वेशन। क्या आ गई? पहली इक्वेशन। और दूसरी देखो, अब पहली इक्वेशन आ गई, अब इसी के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे और फिर दूसरी तीसरी इक्वेशन आप लोगों को समझाऊंगा मैं। देखो पहली इक्वेशन के बेस पे आप लोगों को न्यूमेरिकल क्या करना है, देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है वो, आपसे कह रहा है कि अगर, अच्छा हिल गया था क्या, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि भ्रामावस्था से कोई ट्रेन चलना प्रारंभ करती है और वो एक समान त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही है, मतलब जो लोको पायलट है वो क्या कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब ट्रैक्शन उस चीज को दे रहा है वो, ठीक है। तो 5 सेकंड बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, मतलब 5 सेकंड बाद उसकी चाल या वेलोसिटी वो आपसे पूछेगा, तो वो क्या होगी, तो आप लोग बताइए खुद। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, मैं ये कह रहा हूं विरामावस्था से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, और मैं कह रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या कर रहा है, वो एक्सेलरेट कर रहा है। अब आपको डेफिनेशन अगर समझ आती है तो उसका सीधा सा मतलब क्या था, एक सेकंड में जितना चाल में परिवर्तन होगा उस चीज को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। अब एक एक्सेलरेशन हमारा कितना है, 10 है, तो एक सेकंड में कितना चेंज हो रहा है, 10 का चेंज हो रहा है, तो 5 सेकंड में कितना होगा, 50 का होगा, इसलिए आंसर क्या हो गया, अंतिम वेग जो होगा उस टाइम पे 5 सेकंड बाद उसका 50 मीटर पर सेकंड होगा। अब यही काम इक्वेशन से होता है। देखो आप क्या करोगे साहब, आप कहोगे कि आपको यू पता है, बी पता है, ए पता है, टी, वो बी नहीं पता है, यू पता है, ए पता है, टी पता है, और वी निकालना है। तो ऐसी एकमात्र इक्वेशन कौन सी है जिसमें यू आता है, ए आता है, टी आता है और बी आता है, वो ये है। बी निकालना है, यू पता है, ए पता है, टी पता है, तो यहां भी तो यही करोगे, बी बराबर यू प्लस ए टी रखोगे, ए तो यू तो आपका जीरो हो ही जाएगा क्योंकि भ्रामावस्था से चलना स्टार्ट किया है, और ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, और टी बराबर 5 है, 50 आ गई। तो ये तो आपने मूजावानी भी निकाल लिया था, आपने मूजावानी नहीं निकाला क्या इसका आंसर? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं ही कह रहा हूं लोको पायलट या कोई भी, चलो ट्रेन का ही एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि रेलवे में जा रहे हो, तो 20 मीटर पर सेकंड से, चलो कार मान लेते हैं, 20 मीटर पर सेकंड से कोई कार चल रही थी, 20 मीटर पर सेकंड से, मतलब उसके प्रारंभिक वेग 20 हो गया, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से वो चल रही है, ठीक है साहब, 4 सेकंड वेग बताओ कितना वेग होगा उसका 4 सेकंड। अबे ये सिंपल सी बात है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही है, 4 सेकंड बाद, मतलब 1 सेकंड में 3 बढ़ रही है, तो 4 सेकंड में कितना बढ़ जाएगी, 12 बढ़ जाएगी, तो पहली कितनी है 20 और 12 32 हो जाएगी। अब फॉर्मूले से निकाल लो, b बराबर u प्लस at, u कितना है 20 है, a कितना है 3 है, और 4 ये, तो 32 आ गया आंसर। आप ऐसे कर सकते हो, समझ आ गई? तो आप चाहे इक्वेशन से करो, चाहे आप समझ के करो, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा अगर आपको डेफिनेशन आती है तो, ठीक है। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को इन दोनों इक्वेशन पे क्वेश्चन कराते हैं कैसे होंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोल रहा है कि भैया प्रारंभिक मतलब भ्रामावस्था से कोई वस्तु 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलना प्रारंभ करती है और 5 सेकंड बाद वो कितनी दूरी तय कर चुकी होगी। क्या उसने कहा कि भ्रामावस्था से चलना स्टार्ट करती है, मतलब यू बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है, ठीक है साहब, मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो क्या कर रही है, 2 का चेंज कर रही है, 2 मीटर पर सेकंड चल जा रही है 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। 5 सेकंड बाद आपको दूरी चाहिए, 5 सेकंड बाद। अब आप खुद बताओ, मैं ऊपर की सारी चीजें मिटा देता हूं क्योंकि ये वाले क्वेश्चन तो हो ही गए, ठीक है। आप खुद बताओ मुझे यहां सही कि यहां पे कौन सी एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर टी आता है, ए आता है, यू आता है और एस निकलवाएगा। देखो
अब यहां पे टी तो आ नहीं रहा, बच्चे कहते हैं ना कि मुझे ये नहीं पता चलता कौन सी इक्वेशन लगाएगी, भाई इसमें टी आ रहा है तो इसमें एस नहीं है ना, इसलिए इस इक्वेशन को तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि एस तो इसमें आता नहीं, दूरी तो है नहीं इसमें, चलो इसमें एस है तो इसमें टी नहीं है, इसलिए इक्वेशन लगेगी एकमात्र ये वाली, ठीक है, और बस यू की वैल्यू जीरो है तो ये तो खत्म ही हो गया। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे आप लोग और आप लोगों को पता है कि आंसर क्या आ जाएगा, समझ आ गई ना। तो गाइज एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, यू की वैल्यू जीरो है तो ये तो जीरो ही हो गया पूरा, हाफ यहां रख लो, ए दे रखा है दो और टी की वैल्यू पांच दे रखी है तो आंसर आ गया आपका 25, 25 मीटर चल चुकी होगी आंसर का। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू आप लोगों को ये पता चलेगा कि अगर हमें, जैसे अभी तो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें मिल रही थी तो आप इक्वेशन लगा दे रहे थे, कई बार ऐसा होगा कि आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा, मतलब कुछ चीजें अननोन रहेंगी तो आप उसे दूसरी इक्वेशन का यूज करके निकालोगे और फिर इक्वेशन लगाओगे। अब देखो जरा कैसे, ये वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यहाँ अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा समझ के कर लेते हो ना तो आप विश्वास मानो कि आपको बाकी क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग क्वालिटी पर ध्यान दें क्वांटिटी पे नहीं, कोई बच्चा 200 क्वेश्चन लगा रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, आप सिर्फ अपने एनसीईआरटी के 10 क्वेश्चन जो अच्छे से लगा लो और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर लगाओ, आपके ऐसे के ऐसे ही हो जाने, लेकिन समझ में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ माइनस में तोड़ना है तो क्यों है, यहाँ पे निगेटिव चिन्ह आया तो क्यों आया, रटना नहीं है, अगर आपने समझ के क्वेश्चन कर लिए तो आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है, मतलब ये आप देखो अगर ऐसे स्पीड दोगे तब तो आगे बढ़ोगे, लेकिन तो गति की दिशा में बढ़ रहे हो ना जिधर चल रहे हो, लेकिन आप अगर छोड़ोगे तो क्या होगा, फिर ब्रेकिंग होना शुरू होगी, मतलब एक तरह की ब्रेकिंग ही समझ लो, वो क्या होगी स्पीड कम होगी, तो बोल रहा है वो गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण का मतलब ये हुआ कि गति की विपरीत दिशा का मतलब सीधा सा ये है कि अगर गति की दिशा में होता तो एक सेकंड में 6 मीटर बढ़ जाते आगे, 6 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ते, लेकिन अब 6 मीटर पर सेकंड की दर से उसका वेग घटेगा, अगर मान लो पहले 36 था तो एक सेकंड में अब 30 हो जाएगा, फिर एक सेकंड में 24 हो जाएगा, इस तरीके से बोल रहा है वो कि 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ए बराबर क्या है निगेटिव 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डेशन है। नेक्स्ट उसने बोला, नेक्स्ट चीज देखिए यहां पर, नेक्स्ट वो बोल रहा है यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है, ठीक है साहब ब्रेक लगा दिए हैं और कितना ले रही है, ब्रेक लगा रहे हैं तब ये हाल हो रहा है, मतलब अब आपको पता ही है जब ब्रेक लगाओगे तो रुकने की स्थिति में आ रही है ना, तो वो कह रहा है कितनी दूरी उतने समय में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है, आपको ये एस निकालना है। अब बच्चे कहेंगे कि भैया इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, तो आप खुद बताओ क्या कोई इक्वेशन है जो आपको एस निकाल के दे देगी, भाई टी दिया है ए दिया है तो अब इस इक्वेशन में निकाले तब भी दूरी नहीं निकल सकती, इस इक्वेशन से निकाले तो इस इक्वेशन में यू चाहिए, ए है टी है ठीक है एस है लेकिन यू चाहिए इस इक्वेशन के लिए, आपके पास यू भी नहीं है, ठीक है बी तो है आपके पास क्योंकि रुक रही है गाड़ी तो बी तो जीरो हो गया, समझ आ रही है ना, तो फिर आप लोगों को इक्वेशन कौन सी लगानी पड़ेगी, आप लोगों को पहले U निकालना पड़ेगा क्योंकि सारी इक्वेशंस में U है और बिना U के हमारा आंसर नहीं निकलेगा। देखो ये तरीके होते हैं, हमने यहाँ पे अपनी दी हुई क्वांटिटी लिख ली कि भाई जो जो चीज़ें हमें दी थी हमने यहाँ लिख दी, उसके बाद हमने देखा कि अगर हमें दूरी निकालनी है तो हमें U चाहिए ही चाहिए, देखो S निकालना है तो U चाहिए, यहाँ भी S निकालना तो यहाँ U चाहिए, तो बिना U के काम नहीं होगा, तो अब हम देखते हैं U निकालने के लिए हमारे पास सफिशियंट चीज़ें हैं, तो बिल्कुल है, B बराबर U प्लस AT, B बराबर U प्लस AT, तो B जीरो है, U निकालना है और A निगेटिव 6 है और T की वैल्यू हमें दे ही रखी है 2, तो इसका मतलब U बराबर 12 मीटर पर सेकंड आ गया, तो U तो हमारा निकल गया भैया, क्या निकल गया U हमारा निकल गया, तो अब हमारे पास कोई भी इक्वेशन लगा लो, अब देखो आपके पास सफिशियंट है, अगर इस इक्वेशन का यूज करोगे तब भी आपके पास सारी क्वांटिटी है, इस इक्वेशन का यूज करोगे तब भी आपके पास सारी क्वांटिटी है, तो आप कोई भी इन दोनों में से इक्वेशन लगा के आंसर निकाल सकते हो जब आपके पास यू आ गया, तो मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि जब आपके पास चीजें ना दी हो तब आप कैसे सोचोगे कि भाई मेरे पास क्या नहीं है मैं कैसे निकालूं, तो आपके सामने सिर्फ 3 इक्वेशन है, इन्हीं के थ्रू आप लोगों को करना है। एक क्वेश्चन मैं आप सब लोगों से पूछ रहा हूं, ये तीनों इक्वेशन किसने दी है, किस साइंटिस्ट ने दी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है तीनों समीकरणें किसकी हैं, ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, तो अब क्या है आप किसी भी क्वेश्चन में रख दो आपके पास है ये आंसर, भाई b बराबर 0 दे रखा है, 0 का स्क्वायर u बराबर 144 हो जाएगा,
और प्लस टू, और ए की वैल्यू क्या है माइनस छः रखो यहाँ, और बाकी क्या निकालना है एस निकालना है, यहाँ से निकाल लो आंसर, 12 आ जाएगा लगभग लगभग 12 ही आएगा आंसर, ठीक है। तो 12 मीटर की दूरी पे जाकर रुक जाएगी, समझ आ गई। तो इस तरीके से आप लोग अपने क्वेश्चंस कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट रह गया है, उस कॉन्सेप्ट को भी मैं समझा देता हूँ। अरे यार ये क्या मैटर हो रहा है, अच्छा एक मिनट रुकिए। तो गाइस शायद उसमें परमानेंट इंक आ गई है, तो अब मैंने मार्कर चेंज कर लिया है। चलिए अब यहाँ पे देखता हूँ मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट और समझा देता हूँ। कई बार क्या है इन इक्वेशंस को जी की फॉर्म में, मतलब कई बार क्या होगा गेंद को ऊपर फेंकेगा या नीचे फेंकेगा बिल्डिंग पे से, तो उस टाइम पे इक्वेशंस में क्या करना। देखो सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक बात बताओ आप खुद सोचो, जब आप गेंद को ऊपर फेंकोगे तो वेग लगातार बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा घटेगा ना, तो क्या हो गया एक तरीके से रिटार्डेशन हो गया, मतलब जी की वैल्यू क्या लगाओगे निगेटिव लगाओगे, और जब ऊपर से कोई चीज़ बढ़ाओगे तो लगातार उसकी स्पीड बढ़ेगी ना, तो जी की वैल्यू क्या लगाओगे पॉजिटिव लगाओगे। इसलिए सिंपल सा है, जब ऊपर फेंकोगे तो जी पॉजिटिव और जब नीचे फेंकोगे तो जी निगेटिव। जब ऊपर और नीचे की बात आती है तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण काम करता है, गुरुत्वीय त्वरण उसे हम जी से दिखाते हैं। तो ए की जगह क्या लिख सकते हो, या तो प्लस जी या माइनस जी। प्लस किस केस में बताया मैंने आप लोगों को, प्लस जब आप लोग क्या करोगे ऊपर से चीज फेंकोगे, क्योंकि वहां पर सेकंड स्पीड बढ़ेगी, और जब पर सेकंड स्पीड बढ़ती है तो उसे त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेटर एक्सेलरेशन कहते हैं, और जब पर सेकंड घटती है तो उसे कहते हैं क्या रिटार्डेशन। तो प्लस माइनस जी हो गया, और जहां दूरी चल रहे थे वहां ऊंचाई चलोगे तो बस एच बराबर एस बराबर एच हो गया। तो बाकी सारी इक्वेशन आप लोगों की ऐसी बन जाएंगी, जैसे ये वाली इक्वेशन बनानी है तो बी बराबर यू प्लस माइनस जी टी। अब प्लस कब लगाना है माइनस कब लगाना है वो आप लोगों को मैंने बताई दिया है। इसके अलावा एस की जगह एच बराबर यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये होगी। ऐसे ये है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस माइनस टू ए एच, ये आप लोगों की इक्वेशन बन गई। तो आप ये ग्रेविटेशन वाली जो इक्वेशन है, ये ग्रेविटेशन फोर्स जब काम करेगा तो उस टाइम पे ऐसी इक्वेशंस यूज करोगे। इसके अलावा एक चीज और है वो मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोगों का चैप्टर खत्म, और बस इतने से में ही आप लोगों का पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। अब मैं एक चीज एक बार फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, जो जी के मान में प्रॉब्लम आती है कई बार क्या होगा आप लोगों से पूछ लेगा बस कि गति की दूसरी समीकरण बताओ जब हम किसी गेंद को ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, तो भी आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। समीकरण तो मैंने आप लोगों को बताई दी है, प्लस माइनस का केस आप लोग समझ गए हो। अब एक केस सुन लो जल्दी से, यहाँ पे औसत चाल का या औसत दूरी का, बस यही चीज रह गई है, बाकी कोई चीज नहीं बची है। औसत चाल या औसत दूरी का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, कई बार ऐसा होगा कि यहाँ से आप जाओगे फिर वापस आओगे, कई बार क्या होता है कि भैया जैसे आप चल रहे हो बाइक से, कभी 30 किलोमीटर पर आवर से चलोगे और फिर उसके बाद रुकोगे, या मान लो रुक नहीं भी रुकोगे तो फिर आपका मन कर रहा है नहीं भैया अब तो मैं 70 से चलूंगा, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उस टाइम पे औसत चाल या औसत दूरी का कॉन्सेप्ट आता है। कई बार आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि भैया हमारी जो गाड़ी की चाल है वो 60 किलोमीटर पर घंटा है, तो पूरे रास्ते 60 किलोमीटर पर घंटा थोड़ी चला होगा, कभी ज़्यादा चला होगा कभी कम चला होगा, ओवरऑल उसकी उतनी आ गई होगी। तो आप लोगों ने पता ही है औसत का मतलब क्या होता है, कुल, जैसे आप देखते हो औसत निकालते समय क्या करते हो, कुल जितना भी होता है उसका टोटल करते हो और नीचे उनकी संख्या लिखते हो, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे है, क्या होगा भाई औसत चाल निकालनी है, औसत चाल, ठीक है, तो उसके लिए एवरेज स्पीड निकालनी है, तो आप लोग क्या करोगे कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है कुल समय। और इसी तरीके से अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो उस टाइम पे आप लोग क्या करोगे कुल वेलोसिटी मतलब कुल विस्थापन कुल वेग बटे कुल समय, ऐसे निकालना है आपको। अब देखो कैसे निकालोगे, वेग बटे समय कह रहा हूं, कुल विस्थापन बटे कुल समय, ठीक है। अब देखो मैं आपसे कहता हूं एक बंदा है वो यहां से मतलब काशीपुर से, मैं कह रहा हूं चलो ये छोड़ो, मैं कह रहा हूं मुरादाबाद से लखनऊ की डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, और एक बंदा मुरादाबाद से लखनऊ जाता है और फिर वापस आता है, आप लोगों को उसकी औसत चाल और औसत वेग बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप लोग निपटा लोगे। आई होप कि इन 30 मिनट में 22 मिनट में 50 मिनट में जो भी लेक्चर रहा है उसमें आप लोगों को काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और इस तरीके से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपको कौन सी इक्वेशन कब यूज करनी है, कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करना है, सारी चीजें और सारे टर्म्स आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और मैक्सिमम चीजें तो बहुत आसानी से समझ आई जाएंगी। और इस तरीके से हम लोग
कोई भी चैप्टर बड़ी ही आसानी से निपटा लेंगे। अगर आप लोग कहोगे कि भैया एक सेशन सिर्फ न्यूमेरिकल का लेके आ जाओ, तो इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स मैं अगले में करा दूंगा, और इस तरह से एक घंटे के अंदर लगभग लगभग हमारा पूरा चैप्टर और बहुत अच्छे से कवर हो गया। और ठीक इसी तरीके से सेकंड चैप्टर है, उस चैप्टर को भी निपटा लोगे। तो आप खुद सोचो कि चार घंटे के अंदर या तीन घंटे के अंदर आपकी पूरी की पूरी नाइन्थ की फिजिक्स निपट जाएगी और आपको समझ भी आ जाएगी, न्यूमेरिकल छोड़ोगे भी नहीं आप। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर लगा लेना, सारे के सारे प्रीवियस ईयर हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, यूनिट्स का आप लोगों को मैंने बताई दिया। यूनिट्स का अगर आप लोग कहोगे तो एक वीडियो यूनिट्स एंड डायमेंशन की बना देंगे आप लोग। देखो यूनिट्स यहाँ निकालना भी सीख लो अभी, चलो दिखा देते हैं। अब जैसे यहाँ पे तुमने कितनी चीज़ें पढ़ी, चार पांच चीज़ें पढ़ी, उनके देखो यूनिट्स कैसे निकालेंगे। भाई आप लोग विस्थापन पढ़ा तो विस्थापन की परिभाषा, या दूरी पढ़ी, दूरी की परिभाषा क्या थी, पथ की लंबाई को, लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर। तो दूरी और विस्थापन की क्या हो गई, यूनिट मीटर हो गई। अब मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि आप एक सेकंड में कितने मीटर चले, एक सेकंड में कितने मीटर चले, वो बेग या चाल है आपकी। ठीक है, चाल बराबर क्या पढ़ा आपने, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय।